अस्सलामुअलैकुम, ये है थर्ड पार्ट इस पूरी सीरीज का। तो आज मैं आपको दिखाता हूँ कि काम कितना हुआ और फिनिशिंग कैसी रही और क्या क्या चीज़ें अभी मज़ीद रहती हैं, तो वो आप देखें, उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो अभी सबसे पहले करवाना ये है कि ये है बेस, ये लगेगा इस सरिये पे और वेल्ड पे ताकि ये ख़राब ना हो। वहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा, वहाँ लगेगा और उसके अलावा जहाँ जहाँ भी वेल्डिंग हुई है वहाँ लगेगा। फिर जो है ये हो जाएगा एकदम परफेक्ट। काशिप तकरीबन मेरे ख्याल से एक हफ्ते से काम कर रहा है इस प्रोजेक्ट पे और फाइनली ये ख़त्म हो चुका है प्रोजेक्ट। और ये है हमारा लास्ट एपिसोड इस सीरीज़ का। तो मज़ा आया आपको? बिल्कुल, बहुत मज़ा आया। अभी ये पूरी छत तैयार करेंगे, सही से साफ हो जाएगी छत। हाँ, अभी सफाई का काम रहता है, एक हफ्ता और लगेगा। फिर क्या कहते हैं, डिश वगैरह सारे सेट कर लेंगे। हाँ, यानी आहिस्ता आहिस्ता जो है ये पूरा काम मुकम्मल हो जाएगा। फिर यहाँ पे आके तकिया और क्या कहते हैं अपना कंबल वगैरह लेके आएंगे, यहाँ पे सो जाएंगे, मसले ही। चलो ठीक है, बस अब जो ये बेस वगैरह लगाएगा बंदा वो अभी तक नहीं आया। उस बंदे को भी आपने पहले एपिसोड में देखा है, बस वो जैसे ही आता है तो आपको उनसे मिलवाता हूँ। भाई ये आ गए, हमारा कारीगर आ गए। आते साथ ही नाराजगी का मुजाहरा कर रहा है। यार तू फेमस हो गया है। अच्छा अफसर, तू खनी बन यार, बस इतने फ्री में कम कर, जेको बचे वो खनी बन। तो भाई ये आ चुका है कारीगर बंदा, अब ये लगाएगा। कारीगर की कोई अहमियत नहीं रखते ये लोग। क्यों नहीं रखते? तू क्या यहाँ फ्री में काम करता है क्या? ये भाई दूसरा बंदा है, ये रेती पहुंचा रहा है ऊपर। सीमेंट गुराए होता, कलर तो लगाए। सीमेंट। अब सीमेंट लाने के लिए बंदा चाहिए यार, अलीम को ढूंढना पड़ेगा। अलीम मोटरसाइकिल दे अच्छी नहीं। सलीम का बोल जिंदाबाद। कितने मैच हो? रिंदन का कटे होते आवाज़ या चोकरा ग्राउंड दे आया हुआ।
काम बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। मैं आपको आखिरी बार दिखा दूं कि आज क्या क्या हुआ है। ये देखें, यहाँ सीमेंट लगा के इसको पक्का कर दिया गया है और उसके अलावा यहाँ अस्तर लगा दिया गया है ताकि जंग वगैरह ना लगे। और ये सीढ़ी जो कि हमने बनाई थी तो ये भी अब यहीं पड़ी रहेगी। जब यहाँ ऊपर ये सफाई की ज़रूरत पड़ेगी तब ये काम आएगी। उसके अलावा यहाँ पे भी सीमेंट लग चुकी है और ये सपोर्ट के लिए रोड लगा दी गई है। ये बेसिकली इसलिए है कि मजबूती में हमें कोई कसर नहीं छोड़नी। वैसे तो ये काफ़ी मजबूत है लेकिन इसको भी जो है लगा दिया है तो इस पे भी पेंट होगा, वो आगे चल के बाद में होगा। उसके अलावा यहाँ पे भी सीमेंट लग चुकी है और यहाँ पे भी ये रोड लग चुकी है और यहाँ पे भी ये रोड लग चुकी है, सीमेंट लग चुकी है। उसके अलावा ये अस्तर हमने हर उस जगह लगाया है जहाँ से वेल्डिंग हुई है और जंग वगैरह लगने का ख़तरा था, वहाँ वहाँ हमने जो है ये अस्तर लगा दिया है। ये देखें यहाँ पे भी, यानी जहाँ जहाँ ज़रूरत थी वहाँ वहाँ हमने अस्तर लगा दिया है और पेंट इस पे बाद में लगाएंगे, बाकी हर जगह सीमेंट। मजबूती में हमने कोई कसर नहीं छोड़ी। अच्छा, एक और चीज़, ये हमने रास्ता बनाया है, यानी कि जो भी इन प्लेट्स को साफ़ करेगा वो सीढ़ी लगा के ऊपर जाएगा और यहाँ वॉक करता हुआ प्लेट्स को साफ़ करेगा और यहाँ जाके इन प्लेट्स को साफ़ करेगा, यहाँ जाके इन प्लेट्स को साफ़ करेगा। ये गैप हमने इसलिए रखा है कि यहाँ सीढ़ी लगा के बआसानी यहाँ से भी बंदा ऊपर जा सके। और एक और बात, ये आपको थोड़ी तरतीब ख़राब नज़र आ रही होगी, ये आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही होंगी रोड्स आपको, ये इसलिए कि ये बच गई थी एंड में। हमारा इरादा था कि यहाँ हम चार ही लगाए लेकिन ये बच गई थी तो इनको यहीं पे रख के हमने वेल्ड कर दिया है। थोड़ी तरतीब ख़राब लग रही है लेकिन ये हमने ऊपर वेल्ड कर दी है ताकि बाद में जब भी इनकी ज़रूरत पड़े तो इनको यहाँ से उखाड़ के कहीं और लगाएं। बाकी ये जगह आपको खाली नज़र आ रही है, यहाँ मज़ीद प्लेट्स लगनी है, वो बाद में लगेंगी और यहाँ पे भी लगेंगी। उसके बाद ये बिल्कुल हो जाएगा कंप्लीट छपरा, फिर नीचे आ जाएगी फुल छांव। अच्छा ये काम आपको जो है हल्का लग रहा होगा लेकिन ये हल्का बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही हैवी काम हुआ है। तकरीबन 4-5 दिन लगे हैं इस काम को करने में। मजबूती में कोई कसर नहीं छोड़ी हमने, ये मैं तीसरी बार बोल रहा हूँ, एकदम मजबूत है। और गैप हमने अच्छा खासा रखा है ताकि तूफान वगैरह जब आता है तो हवा बआसानी यहाँ से पास हो जाए और इन प्लेट्स को कोई नुकसान ना हो। उसके अलावा एक और चीज़, ये जितने भी केबल्स हैं वायर्स हैं इनको हमने इस टाई क्लिप के ज़रिए गायब कर दिया है। अब ये वायर्स भी आपको लटकी हुई नज़र नहीं आ रही होंगी जो कि आपको पहले और दूसरे पार्ट्स में नज़र आ रही थी। अच्छा, ये जो चीज़ लगी हुई है इसको आप हल्के में ना लें, ये बहुत ही मतलब मज़बूत चीज़ है। इस पर अगर 300-400 केजी का बंदा भी ऊपर वॉक करे तो ये उसको बर्दाश्त कर लेंगी रोड्स, तो ये हमने सोच समझ के लगाई हैं। अब जब भी प्लेट साफ़ करनी होगी तो मैं ऊपर जाऊंगा और प्लेट साफ़ करूंगा। मेरा वज़न भी 90 केजी है। ये देखें भाई, ये हाइट की भी बात कर लेते हैं, यहाँ से है ये 6 फिट और
सेंटर से ये है 7 फीट और सबसे एंड वाला पोल है इसका 8 फीट, यानी स्लोप आगे की तरफ है। और जो सबसे पहला पिलर है वो है 6 फीट का, ये सेंटर वाला है 7 फीट का और ये लास्ट है 8 फीट का। सुबह सूरज यहाँ से निकलता है तो स्लोप हमने इस तरफ रखा है ताकि इन पे बआसानी सूरज पड़े। बाकी मैं आपको शाम को दिखाऊंगा कि शाम को कितने बजे तक इन प्लेट्स पे सूरज पड़ता है। हाँ हाजी साहब, कैसा लगा काम आपको? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, वेरी गुड जी। अच्छा तो लगी है ना। ओह माय गॉड। तो भाई ये हो चुका है काम कंप्लीट, ये हमारा लास्ट पार्ट था इस पूरी सीरीज का। तो काम कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो खैर अब दे मुझे इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। अभी शाम के हो रहे हैं तकरीबन 5:30 और वो रहा सूरज, लेकिन अभी भी इन प्लेट्स पे सूरज की शुआएं पड़ रही हैं, यानी कि ये थोड़ा थोड़ा अभी भी काम कर रही होंगी, बैटरीज को चार्ज कर रही होंगी। पहले ये होता था कि इस टैंकी की, इस दीवार की और इस बड़ी सीमेंट वाली टैंकी की छांव आती थी इन प्लेट्स पे। कि अभी आप देखें सूरज ऊपर है, लेकिन ये प्लेट्स जो हैं तकरीबन आधी प्लेट्स छांव में है इस वक्त। ये देखें, ये देखें ये भी छांव में। लेकिन अब सर्दियों में तकरीबन 5:30 तक और गर्मियों में 7:30 तक बआसानी चार्जिंग होगी। तो ये था भाई सीन। अब ना इस तरफ दरख्त है और ना ही कोई चीज़ है जिसकी छांव इन पे पड़े। अब जब तक सूरज ऊपर होगा तब तक कोई टेंशन नहीं। ओके ओके, अब मुझे उतरना भी है यहाँ से। आए, 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 आए। ये बेहतरीन। बाय बाय। सीढ़ी बहुत ही कमाल की बनी है सीढ़ी।